ये ट्रैफिक ऑफिस कहाँ पर? ट्रैफिक ऑफिस? वो आप यूट्यूबर? हाँ जी, हाँ जी। आपके पास ना वो नॉलेज नहीं है जिससे आप टैकल कर पाओ सर, वो उसके लिए हम लोग हैं सर। कुछ हमें पता है ना, वो तो है लेकिन प्रॉपर अगर मैसेज कन्वे नहीं होगा सर, वो हमारे ब्लॉग के थ्रू शूट हो रहा है। आपको जो मैसेज देना है ऑल ओवर इंडिया देखें, उत्तराखंड तो पूरा ही देखते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के राइडर्स भी देखते, मतलब सब देखते हैं। देखते हैं आपके जब जाते हैं, शांति का पहाड़ पहाड़ है, वादियाँ हैं, आप लोग शांति का आनंद लेने आते। तो हाल ही में देखा गया कि राइडर कम्युनिटी को बदनाम कर रैप कर करके रैप कर करके, और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके कारण पूरी कम्युनिटी नाम खराब हो। नहीं नहीं, उधर तो विदाउट हेलमेट ही लगा लो, हेलमेट पहन के लगा कहीं यही चला। अगर कोई एग्जॉस्ट में उसके बाद तक आ रहे हैं, मान लो उसने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के साथ कोई और आया, उसने 4-5 महीने बाद चेंज करा दे, कंपनी से चेंज कराया, लीगल है वो भी? साउंड इलीगल है, साउंड पोल्यूशन के लिए इलीगल है। कंपनी देती क्यों है जब साउंड है तो? है सब बाहर के देशों में नहीं है ना, नॉर्म ये गाड़ियाँ सारी इम्पोर्ट है, बाहर इंडिया के लिए ये सारी इम्पोर्टेड गाड़ी है। इंडिया वाली तो सर BS6 में तो उन्होंने कैटेली कन्वर्टर डाल रखा है, इसका भी ये देखेंगे सर, ये ना कैटेली कन्वर्टर लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। तो नॉर्मली क्या रहता है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में ना, ये देख रहे हैं आप, ये कैटेली कन्वर्टर लगा है इसका यहाँ पर, तो यही दबाता है, यही पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए और साउंड कंट्रोल करने के लिए ये है सर। तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में क्या होता है, सीधा इंजन से और सीधा बाहर तक पूरा एक ही पाइप रहता है। अच्छा। और फ्री फ्लो रहता है इसमें, बीच में ये कैटेली कन्वर्टर लगा है सर, तो ये दो चीज़ें कंट्रोल करता है, एक नॉइस और एक पोल्यूशन। सर H2 है, तो उनमें ना एक और आता है जिसे हम डैम्पर बोलते हैं। तो डैम्पर क्या करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहता है, तो वो ऊपर रहता है, तो जैसे ही बाइक को लगता है कि बाइक वॉबल कर रही है हाई स्पीड पे, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर के पीछे वाले पावर कट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बहकती नहीं हाई स्पीड पर, क्योंकि सर इतनी पावर है, आप 312 BHP बहुत ज्यादा होती है सर बाइक। फाइनली हम लोग आए थे SP ट्रैफिक सर के पास। मैं आप लोगों को घर से बताता हुआ चल रहा था, आजकल देहरादून में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो पब्लिकली बहुत सारी चीज ऐसे कर रही है, विच नॉट अ मोटर ब्लॉगर और अ बाइकर जिसके पास सुपर बाइक है। सो वी हैव गॉट SP सर जो ट्रैफिक पुलिस में, सो यू नो ही स्पेसिफिकली कॉल्ड अप मी कि हम लोग ना एक मोटिव दे पाए जितने भी मोटर ब्लॉगर्स हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो ना मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं उत्तराखंड में, एंड वो ना ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि यू नो क्यूट गर्ल रिएक्शन, कॉलेज में जाकर के लड़कियों के सामने रेफ कर रहे हैं, विच नॉट ओनली क्रिएट पब्लिक न्यूसेंस, एट द सेम टाइम वो लड़कियां हैं, तो यू शुड नो कि आपको कहां पर करना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी थी यार, जहां पर ना स्कूल में जा जा करके रेफ कर रहे थे। देखो सुपर बाइक होना इज नॉट अ बैड डील, बट सर आपको कुछ चीज़ें बता देंगे विच यू शुड फॉलो, एंड जितने भी लोग, दिस इज नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड, बाहर के लोग भी देखते हैं यार। लोग ना डरते हैं पुलिस से कि भाई पुलिस आएगी तो हमारा चलान कटेगा, बट दिस वीडियो इज गोना बी सो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो सर से सुनते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं यार वो। बेसिकली हम ये इसलिए बुलाया, आप यू आर मतलब पूरी इंडिया में घूम रहे हो, UK 07 ब्रांड लेके रखे हो, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बट मेनी अ टाइम्स देखा जाता है जब भी हम लोग इस तरीके की बाइक्स रोकते हैं, क्योंकि हम अब देहरादून में इसके लिए अच्छी नकेल कसने के मूड में है या कर भी रहे पिछले हफ्ते से, तो बहुत बार ऐसे जवाब मिल जाते हैं कि ये साइलेंसर कंपनी मेड है, ये ऐसे फिटेड है, इसके कारण है, कुछ ना कुछ बहाना बन के वो लोग हमें वो करना चाहते हैं। बहुत बार पुलिस भी बहुत बिजी रहती है, ट्रैफिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन किसी को पेनलाइज करना। तो बेसिकली हम अब कुछ ब्लॉगर्स को, आज हमने दिन भर में कुछ शोरूम से भी कुछ गाड़ियाँ मंगाई थी, मैकेनिक्स को भी बुलाया था हमने, इंजीनियर्स को भी बुलाता है, टू मेक आवर सेल्फ एजुकेटेड, ताकि जब देहरादून ट्रैफिक पुलिस या इन जनरल पुलिस पर्सन कभी इंटरेक्ट करता है सुपरवाइजर से, तो जो हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमें कोई फंसा ना दे, या जो बोलते हैं ना वो ना बना दे उस टाइप का, तो इसीलिए बुलाया गया। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने साइलेंसर को लेके, रेसिंग को लेके इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी आर इंटरेक्टिंग विथ एनी बडी, तो वी विल बी मोर नॉलेजफुल कैसे हम लोग इसका साउंड चेक करें एंड ऑल दोस थिंग। सेकेंड थिंग, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सारे ब्लॉगर्स को बोलना चाहूँगा, स्पेशली द देहरादून बेस्ड, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट। हमारा मोटिव कहीं आपकी व्यूज़ या लाइक्स या उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द पब्लिक सेफ्टी एंड द डेकोरम ऑफ द सिटी। आप जब 150-200 चलते हो तो यू मे गो रॉन्ग समटाइम्स, एंड अगर इनोसेंट लाइफ उससे जाती है तो मेक श्योर, नॉर्मल एक्सीडेंट हम 304A में लिखते हैं, बट अगर कोई भी एक्सीडेंट सुपर बाइक से हो रहा है तो आई एम गोइंग टू राइट इट इनटू 302, दैट इज मर्डर, तो वी आर गोइंग टू बी दैट मच स्ट्रिक्ट। विद इन सिटी एरिया हमारी लिमिट 30 है, इन हिल्स वी हैव 40 सिटी लिमिट्स,
तो जब भी आप चले तो नॉर्मल इससे चले, कोई आवाज़ करते ना चले। जहाँ आप परमिटेड रूट हो, आपके आपके लिए स्पेशल ट्रैक बनाए गए हो, वहाँ पे यू कैन गो। मतलब मैं आपकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखा हूँ, बट जैसे आप बता रहे हैं कि आप ट्रैवल लॉग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो यू कैन हैव अ इनोवेशन इन दैट वे। यू डोंट हैव टू लड़की के पास जाके रेस करना या पब्लिक में जाके कुछ करना, ये सब न्यूसांस वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी अ गुड ब्लॉगर, वीडियो ब्लॉगर बाय अनदर वे। पहले से मोटो ब्लॉगिंग यही था ट्रैवल करने वाला, बट अब लोगों ने यही होना चाहिए इजी व्यूज के लिए ये कंटेंट बहुत। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू एंड योर टीम आल्सो फॉर एजुकेटिंग अस। ऑलवेज सपोर्ट सर टू देयर द फुल।